है लेनोवो का नया स्पेशल लैपटॉप। इस लैपटॉप के अंदर एक अलग से एआई के लिए चिप लगा रखी है, एक बटन दे रखा है एआई के लिए, इसमें आप टाइप करके एआई वाली चीजें कर सकते हो, बोल के आप भाई एआई वाली चीजें कर सकते हो, लैपटॉप कंट्रोल कर सकते हो, लैपटॉप से अलग अलग चीजें करवा सकते हो। आप इसके एआई को यूज करके इमेजेस बना सकते हो, अपनी रिसर्च वाला काम करना है, पीडीएफ बनानी है, आपको एप्लीकेशन का कोड करवाना है, मैथ्स के होमवर्क करने, सारी चीजें इसके अंदर हो जाती, ऐसा हमने सुना है। बट इसको ट्राई करके देखेंगे, सर्च लेट्स गो। हमने ऐसे काफी सारे एआई वाले गैजेट्स, गॉगल्स, अलग अलग चीजें ट्राई करके, बट लैपटॉप में भाई पहली बार ट्राई करने वाले, ये है लेनोवो का योगा स्लिम 7i। पैकिंग तो अलग सी कर रखी है। ये है हमारा प्यारा लैपटॉप, बिल्कुल मजाक नहीं, हाथ में पड़े बहुत ही ज्यादा प्यारा सा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ। बट एक बार और भी देखते हैं डब्बे में क्या क्या है। वैसे ये यहाँ पे साइड में डब्बा दे रखा है, इसके अंदर एक चार्जर दे रखा है, एक केबल दे रखी है, चार्जर 65 वॉट का है और मेटल की केसिंग में इसको डाल रखा है, यूएसबी टाइप सी वाला चार्जर है, एक भाई लव लेटर भी आ गया अलग से, इसको रख देते हैं। पूरे लैपटॉप की एक एंड टू एंड मेटल बिल्ड बना रखी है, ऊपर की तरफ यहाँ पे योगा लग रखा है, योगा करा के भी देख लेते हैं भाई से, 180 डिग्री योगा कर रहा है, बट पूरा ये भाई सॉलिड मेटल फ्रेम में इसको बना रखा है, एंड साइड में इसमें राउंडेड कॉर्नर्स ऐड कर रखे हैं। यूएसबी टाइप सी के दो थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, एक एचडीएमआई का पोर्ट है, एक यूएसबी टाइप ए का पोर्ट है, एक हेडफोन जैक है, एक पावर बटन राइट में लगा रखा है, और उसके साथ में एक कैमरे वाला शटर जो बटन होता है वो यहाँ पे राइट में लगा रखा है, उसके साथ एक यहाँ पे एक तिकोना सा कोई माइक्रोफोन है। नीचे की तरफ आप देखो भाई रबराइज यहाँ पे ये चीजें लगा रखी है, यहाँ पे अगर थोड़े से ध्यान से ऐसे पलट पलट के देखो आपके चिप्स दिख जाएंगे भाई नीचे लग रखे हैं जो कंपोनेंट्स, उसके अलावा नीचे भी दो लगा रखे। ये मेरे हिसाब से स्पीकर के लिए ग्रिल है, फ्रंट की साइड पे भाई स्पीकर्स की ग्रिल है, यहाँ पे पूरा एक पैनल लगा रखा है, यहाँ पे पूरा एक सर्कुलर टाइप हिंज है जो काफी सॉलिड है, मतलब लैपटॉप को है किसी भी एंगल पे खोल के रख सकते हो, एंड बिल्कुल भी वॉबल नहीं है। योगा वोगा लिख रखा है, ट्रैवल डिश कीबोर्ड, कीबोर्ड भी अच्छा खासा टैक्टाइल है, एक कीबोर्ड का एक चेक होता है ऐसे नीचे दबा के अगर बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहा तो मतलब सही, एंड हमने भी ट्राई करा भाई, पीछे की तरफ से लाइट वेट जल जाती है, उसके अलावा परफॉर्मेंस वॉर्मेंस सारी चीजें टेस्ट करेंगे। एक वैसे मेरा पर्सनल टेस्ट होता है, एक उंगली से अगर लैपटॉप खुल जाए तो बढ़िया रहता है, काफी कंफर्टेबल सा रहता है, दूसरे हाथ से आपको स्टडीज करनी हो दूसरे लैपटॉप पे या पढ़ाई वढ़ाई नोट्स बनानी हो। और भाई योगा वाली सीरीज है तो आप अपने योगा पोस्चर कर लो, ऐसे टेबल के लिटा के आपको ऐसे देखना, या फिर ऐसे लैपटॉप को ऐसे रख के नीचे से ऐसे लटक के देखने वाला। फ्रंट पे अगर आप नोटिस करोगे 14 इंच वाला डिस्प्ले ऐड कर रखा है, यहाँ पे एक कैमरा है, बड़ा सा पूरा पैनल दे रखा है, एक OLED HDR 10 वाला डिस्प्ले है। हमने इसके अंदर 4K वीडियो चला के देखी भाई, काफी प्यारे कलर्स आ रहे थे। OLED स्क्रीन्स जिन लोगों ने पता भाई लैपटॉप में डेफिनेटली काफी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है भाई एक मोबाइल का ही डिस्प्ले आप देख रहे हो। 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम भी इसके अंदर ऐड कर रखा है, इसमें TUV का हार्डवेयर दे रखा है, ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन ऐड कर रखे है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे रेड दबाता हूँ ना तो कैमरा ब्लॉक हो जाता है, कैमरा चलना बंद हो जाता है, जैसे मैंने अनब्लॉक करा था कैमरा ऑन हो गया, अब मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। कैमरे की क्वालिटी डिसेंट है भाई, मैं फोटो बना सकता हूँ, वीडियो भी बनानी होगा यहाँ पे, वीडियो बनानी भाई काफी आराम से बन जाती है। स्पीकर्स में डॉल्बी ऑल्बी लगा रखा है भाई, सब चेक करेंगे। लैपटॉप एक्चुअली काफी पतला सा है, बट इसमें भाई 1 2 3 4 स्पीकर्स, और काफी एक सॉलिड क्लियर सी साउंड आ रही है, बट हाँ भाई क्लैरिटी बहुत प्यारी है। यूजुअली होता क्या है, फॉर्म फैक्टर पतला हो जाता है ना तो भाई ऑडियो की क्वालिटी कम हो जाती है, बट भाई जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज भाई के अंदर भाई AI वाली क्या क्या चीजें लगा रखी है, वो भाई को उसी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। इस वाले लैपटॉप के अंदर लेनोवो ने अपना AI इंजन डाल रखा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोग्राम है, लेनोवो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी है, और इसमें काफी सारे AI वाले फीचर्स ऐड कर रखे हैं। एक डिसेंट क्वालिटी का वेबकैम है, हमने काफी सारी फोटोज खींच के देखी। ये पहली बार है जब लेनोवो ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करी है, और इसमें काफी सारे फीचर्स डाल रखे हैं AI वाले। इसमें पूरा भाई AI वाला असिस्टेंट मिलता है, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट है, इसमें भाई कुछ भी टाइप करोगे भाई हाउस तो आपको भाई बता देगा चीजें कैसे करनी है क्या करना है। इसमें भाई बता रहा है भाई ये जनरल रियल एस्टेट बता रहा है घर खरीदना तो कहाँ कहाँ से मिल जाएगा, या अगर आपका एज ब्राउजर आप खोलते हो तो उसमें भी भाई यहाँ पे शॉर्टकट से अवेलेबल होता है, तो आप सारी चीजें कर सकते हो ब्राउजर के अंदर से भी, लैपटॉप के अंदर से भी अलग अलग लिंक्स दे दिए भाई इसने कैसे करना है क्या करना। बेसिकली एक इनबिल्ट AI ऐप के लैपटॉप के अंदर, और इसके अंदर एक अलग से चिप लगा रखी है इसी AI के लिए। ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन के साथ बना है, और इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। अगर इसको खोलना है तो भाई आप विंडोज प्लस सी दबाओगे तो भाई ये साइड में ऐसे बाहर खुल जाती है। इसके 3 वर्जन है, एक फ्री है और 2 पेड वर्जन टाइप है। आप कोई भी पूरी पूरी बुक की PDF डालो इसके अंदर, ये समरी बना के दे देगा। मैं भाई पर्सनली मैं किताबों से मैंने कभी पढ़ा ही नहीं,
मैं YouTube पे वीडियो देख लेता था। एक बार मैं स्कूल में गलत समरी पढ़ के चला गया, उस नाम की दो किताबें थी। होता भाई, इसमें आप ईमेल्स ड्राफ्ट कर सकते हो एंड कोई भी इमेज अगर आप डालोगे तो उससे टेक्स्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते। जैसे भाई मैं अपनी ना ये सेल्फी इसके अंदर डाल देता हूँ, इसमें भाई हमने डाल दी है फोटो, इसके अंदर सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके दिखाएगा। भाई इसने बता दिया कि भाई इस इमेज जो आपने दी है इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ही नहीं, क्या निकाल के दूं मैं आपको, पागल ना रहो। इसने बता दिया भाई यूट्यूब पे जाके देख लो, ये लोग यूट्यूब पे मिल जाते हैं, ऐसा बता रहा है। बट इसके अलावा आप इससे एक्चुअल एप्लीकेशंस बना सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। जैसे अभी हमने इसमें लिख रखा है एक HTML कोड चाहिए वेबसाइट, तो इसने एक एक्चुअल वेबसाइट डिजाइन कर दी है। बहुत बेसिक सी है बट भाई काम तो करता है। उसके अलावा एक कैलकुलेटर की आप ट्राई करते हैं, भाई को बोलते हैं कैलकुलेटर की आप बनाने, भाई इसने एक्चुअल कैलकुलेटर ही बना दिया। यूजुअली सेटिंग वेटिंग का पाथ याद नहीं रहता, कभी कभार ऐसा भी होता है भाई आपको काफी सारे ऑप्शन है भाई लैपटॉप के अंदर, सर्च में भी नहीं आ रहे, बट इसमें आप टाइप करो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा जो भी आप सर्च करो सेटिंग में जहां पे भी। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। उसके अलावा जो नॉर्मल AI वाली चीज होती है, आपको इसको कुछ भी पूछना है कि भाई आसमान नीला क्यों है, ये बता रहा है, तो इसने भाई समझ लिया, हिंदी में लिखा है और बता रहा है कि भाई आसमान नीला इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें, और गाना भी दे दिया भाई नीला आसमान सो गया। ओहो, बात भी कर सकते हैं। हमारी माशूका से सेटिंग कब होगी, इसने समझ लिया भाई मैंने हिंदी में बोला था और उसको ट्रांसलेट करके कुछ बना रहा है। ओ भाई, आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने वेब पर खोज की है और मुझे विवाह के तरीके मिल गए और मुझे विवाह के निर्धारण का अवसर ज्योतिष के भाई पता नहीं क्या हो रहा है और कुछ शादी तो करवा रहा है। भाई मैंने बोला माशूका ये शादी करवा रहा है डायरेक्ट, इसने पंचांग की भी वेबसाइट दे दी है कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने वेब पर खोज की और यह पाया कि विवाह की तारीख का निर्धारण अक्सर ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। यदि आप विवाह की तारीख के बारे में पूछ रहे हैं तो आप ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं जो जन्म तिथि और अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर शुभ तारीख का सुझाव दे सकते हैं। भाई पूरे हिंदी पढ़ के बता रहा था भाई। यार मैंने ना टेक बर्नर की ये वीडियोस रिसेंटली काफी देखी और ये पता नहीं क्या वीडियो बनाता है, कुछ करता है, मुझे समझ नहीं आया। आप मेरे को पूरा इसका बताओ कैसे करता है, क्या करता है, कुछ तो कर रहा है, समझ रहा है। आपके द्वारा उल्लेखित टेक बर्नर की वीडियोस के बारे में वेब पर खोज करने पर कुछ विशेष जानकारी मिली है। यहाँ कुछ वीडियोस के शीर्षक और संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं। बाइडेन से टिकैत की गुहार, ट्वीट में टैग कर कहा भारत में किसान कर रहे प्रदर्शन। टेक बर्नर को दूसरा पकड़ लिया इसने, US का टेक बर्नर है ये, बिहार का टेक बर्नर। कैन यू कोड अ कैलकुलेटर ऐप, मैंने बता दिया भाई को कोड करनी है कैलकुलेटर ऐप, अब इंग्लिश में बता दिया, इंग्लिश में भाई समझ जाएगा, कोडिंग कर लिया कुछ। Certainly. Here is a simple calculator app coded in Python. This app can perform basic arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division. Simple calculator app. Definite add x, y. Return x plus y. Dev subtract x e. बैठ के पूरी कोडिंग करके बता रही थी मेरे को। भाई ये सही है, अपना मामला सेट हो जाएगा भाई। राइट अ पैराग्राफ ऑन AI, मुझे होमवर्क मिला भाई, हिंदी में लिख दिया भाई, मैंने स्टार्ट इंग्लिश में करा था, बोला एंड हिंदी में, पर हिंदी में लिख रहा है, कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगा, पढ़ के सुना दीजिए प्लीज। बिल्कुल, यहाँ एक पैराग्राफ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI के नाम से भी जाना जाता है, वह तकनीकी क्षेत्र है जो मशीनों को ऐसी क्षमताएं प्रदान करता है। भाई कुछ तो तकनीकी बताया, तकनीकी में सुन के खुश हो गया, तो मस्त है। जावास्क्रिप्ट आप बना सकते हो, आपको एक कोड लिखना है भाई कैलकुलेटर ऐप के लिए, जावास्क्रिप्ट में पाइथन में वो हो जाता है। डेवलपर्स की भाई डेफिनेट एक काफी बड़ी हेल्प हो जाती है। डायरेक्ट आप भाई AI से एक ईमेल बनवा के सेंड कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज से कनेक्ट करके काफी सारी चीजें मिक्स मैच कर सकते हो। किसी भी वेबसाइट को आपको समराइज करना हो इसके अंदर डालो, पूरी वेबसाइट समराइज करके दे देगा। जैसे हमने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, इसको आप इसके अंदर डालो, इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा भाई। इसमें भाई आप एक कमांड डाल के इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप एडिट करते हो या फोटोशॉप पे या कुछ भी अगर आप कर रहे हो, या फिर PPT बनाने भाई ऑफिस के लिए, तो वो सारी चीजें भी काफी आराम से जाती है। वर्ड में भी भाई AI चल जाता है, आप बस एक लाइन का प्रॉम्प्ट डालो और ये अपने आप पूरा लिख देता है। ये पावर पॉइंट भी मैंने खोला, इसमें बस मैंने टॉपिक लिखा और ये पूरी प्रेजेंटेशन इसने बना दी, डिजाइन इमेजेस पूरा भाई एंड टू एंड सारा भाई ने काम करके दिया। एक्सेल में आपको बस टेबल बनानी है और ये पूरे खुद सारे चार्ट्स बना देगा, बस आपको जो नीड है वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा और काम आपको हो जाएगा डन। फोटो में भी अगर आप बैकग्राउंड ब्लर आपको करना है तो इसमें जैसे मैंने ये वाली इमेज उठा रखी है, इसका भाई बैकग्राउंड ब्लर कर दिया भाई एक दो क्लिक्स में, और या फिर भाई पूरा कलर करके डिस्को बनाना भाई एक क्लिक से, सब कुछ फिल्टर सारे भाई एक ही अपने हिसाब से हो जाते हैं। इसमें बैकग्राउंड भाई अगर आपको रिमूव करना हो
एक सेकंड में स्किन विन रीटच करने का मन करे आपका फोटो, आप स्टॉक इमेजेस इसमें डायरेक्टली बना सकते हो। आपको लग रहा होगा ये सारी चीजें इस लैपटॉप में एक साथ कैसे आ पा रही, ये इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ही ओपन एआई को परचेज कर रखा है एंड माइक्रोसॉफ्ट भी है एक काफी बड़ा पार्टनर है चैट जीपीटी और ये सारी चीजों के अंदर। इन्होंने अपने लैपटॉप के में भी ऐड कर दिया एंड अगर आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है तो जैसे मेरे को डार्क मोड ऑन ऑफ करना या फिर एक स्क्रीनशॉट लेना या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन, भाई एक बार में लट्स गो जाता है। इसके अंदर 14 जेन कोर अल्ट्रा प्रोसेसर ऐड कर रखा है इंटेल वाला, जो इंटेल की अपनी ईवो सर्टिफिकेशन के साथ आता है एंड इंटेल की इसने अपनी आर ग्राफिक्स डाल रखी है जो एक्चुअल गेमिंग के लिए बनाई जाती है, बट इसको एक गेमिंग लैपटॉप बोलना सही नहीं होगा, ये एक लाइट वेट पोर्टेबल भाई हैवी ड्यूटी लैपटॉप है जो पूरी एक मेटल बेल्ट के साथ बना है एंड इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं डाल रखा है, बट इंटेल का ग्राफिक कार्ड आपकी मीडियम सेटिंग्स पे गेम चला देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इंटेल ईवो इंटेल का लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये काफी एक अच्छी बैलेंस्ड परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, तो कभी भी अगर आप नॉर्मल यूज करो ज्यादा ओवरहीट नहीं करता है, आपको ज्यादा लैग्स डिले नहीं देखने के लिए मिलेंगे, एवरीडे यूजेज में एकदम मक्खन चलेगा। गेम आपकी मीडियम सेटिंग में चल जाएगी, हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई GTA के लिए देखेंगे। GTA में भाई ग्राफिक्स तो सही आ रहे हैं बट आपको हल्के फुल्के फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, गोली वोली मार लेते हैं थोड़ा सा भराएंगे तब मजा आएगा। वैसे गेम तो सही चल पा रही है भाई, मीडियम सेटिंग्स पे आप गेम खेल सकते हो भाई, आप CS2 खेल लेते हैं। बचपन में मैंने बहुत खेली भाई CS 1.6 खेली थी, अब भाई थोड़ा बड़े भाई आ गए, ये भी भाई मस्त लग रहा है, इसमें भी ग्राफिक्स वाफिक्स थोड़े सॉलिड लग रहे हैं, एक्चुअल भाई मजा तो आता है, इसमें FPS का ज्यादा होता है भाई। लाइट गेमिंग के लिए सही है लैपटॉप, हाई ग्राफिक वाले गेम में आपको थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स मिल सकते हैं भाई। प्रीमियर प्रो में 10 मिनट की 4K 12 मिनट के अराउंड रेंडर हो गई थी, तो मतलब सही है। नॉर्मल यूजेज अगर आप करोगे तो आपको एक डिसेंट बैटरी बैकअप मिल जाएगा, आप एक दिन चला सकते हो, ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। लेनोवो काफी अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स बनाता है, लेनोवो अपनी वेबसाइट पे बेचता है lenovo.com। गेमिंग वाले भी हमने काफी सारे कवर करे हैं, रील शॉर्ट्स हमने सारी चीजें बनाई है, जैसे इनकी गेमिंग वाली सीरीज है लीजन वाली, तो उसका एक LOQ सीरीज है भाई, एकदम ही थोड़े उसमें टफ एंड लैपटॉप्स आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। एंड एक चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी कि आप एक्चुअल लैपटॉप्स को कस्टमाइज कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी यूजेज के हिसाब से, आपको रैम स्टोरेज इवन प्रोसेसर भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और अगर आपको PCC बिल्ड करना है आप अपनी कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग बिल्ड कर सकते हो एंड वो आपके घर डिलीवर जाता है, काफी सारे लोकेशन में 4 दिन के अंदर डिलीवर हो। सारी अपनी गेमिंग टेस्ट करी भाई, काफी सारी चीजें इसके अंदर टेस्ट करी, इस लैपटॉप के AI वाले फीचर्स भाई डेफिनेटली हमको काफी एक्साइटिंग लगे एंड ये काफी थिन एंड लाइट प्रोफेशनल लैपटॉप है, इस वाले फॉर्म फैक्टर के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट हमको लगी एंड AI वाले फीचर्स जो डिस्प्ले है जो बिल्ड है बाकी सारी चीजें हमको काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। इस वाले लैपटॉप के ऊपर आप 3,000 रुपए तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हो और भी काफी सारे ऑफर्स हैं, सब हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। डेफिनेटली भाई अगर आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए अपने ऑफिस कॉलेज के लिए या फिर मौज मस्ती करने के लिए और मीडियम सेटिंग्स पे आपको गेम कंफर्टेबल रहेगी, डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।